अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन। सो आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर सब्जेक्ट साइंस के चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 है हमारे पास सोलर सिस्टम एंड आवर अर्थ। सोलर सिस्टम यानी हमारा निज़ाम शमसी या हमारा प्लानिटरी सिस्टम, एंड आवर अर्थ और हमारी ज़मीन। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस राइट किए गए हैं और आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है और आप फिर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर खुद दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर डे एंड नाइट फॉर्म, दिन और रात कैसे बनते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है वाई डज द मून चेंज इट्स शेप, चांद जो है वो अपनी शेप अपनी शक्ल कैसे चेंज करता है। थर्ड क्वेश्चन है वेयर डू द स्टार्स गो ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी दिन के वक्त जो स्टार्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, कहाँ जाते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी सी मैनी स्टार्स एट नाइट ऑन अ क्लियर स्काई। वी सी हमने देखे होंगे, मैनी स्टार्स बहुत से सितारे, एट नाइट रात को, ऑन अ क्लियर स्काई यानी साफ आसमान पे हमने रात को बहुत सारे सितारे हम देखते हैं और देखे होंगे। द सन इज़ वन ऑफ दीज मीडियम साइज स्टार्स, सन यानी सूरज जो है वो इज़ वन ऑफ दीज, उन्हीं में से एक मीडियम साइज स्टार है, यानी ये मीडियम साइज होता है इसका, एक सियारा है ये, सॉरी सितारा है। हाउएवर इट इज़ मच लार्जर देन द अर्थ, लेकिन ये ताहम जो है ये मच लार्जर ज़मीन से काफ़ी बड़ा होता है। हैव यू एवर थॉट दैट वट इज़ वट द सन इज़, क्या आपने कभी सोचा है कि वट द सन इज़, सूरज क्या है। द सन इज़ अ ह्यूज स्फीयर ऑफ बर्निंग गैसेज दैट इमिट्स लाइट एंड हीट। सन जो सूरज है इज़ ह्यूज, एक बड़ा स्फीयर यानी स्फीयर जो है वह कुर्रा है या सर्कल की तरह का, ऑफ बर्निंग गैसेज, ये बर्निंग गैसेस यानी जलती हुई जो गैसेस होती हैं, दैट इमिट्स जो खारिज करती हैं या रिलीज़ करती हैं लाइट को और हीट को। ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द सन, यानी सूरज की कशिश शक्ल की वजह से, मैनी क्लेस्ट्रियल बॉडीज सच एज प्लैनेट्स इंक्लूडिंग आवर अर्थ एंड द मून, कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड्स एक्सेट्रा रिवॉल्व अराउंड इट। यानी ड्यू टू द ग्रेविटी ऑफ द सन, सूरज की कशिश शक्ल की वजह से मैनी क्लेस्ट्रियल बॉडीज, क्लेस्ट्रियल बॉडीज यानी आसमानी जिसम जो आसमान पर होते हैं वो, अब उसमें आसमानी इज्साम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं वो आगे बता भी रहा है। सच एज़ प्लैनेट्स यानी प्लैनेट्स जो होते हैं, अब उनमें क्या क्या शामिल है, हमारी ज़मीन भी, चांद भी शामिल है। कॉमेट्स यानी कॉमेट्स बोलते हैं शूटिंग स्टार, फॉलिंग स्टार जो होते हैं, जो शूटिंग स्टार यानी जो गिर रहे होते हैं तोड़ फोड़ की वजह से, जो टूटने वाले सितारे भी आप इसको बोल सकते हैं। एंड एस्ट्रॉयड्स यानी एस्ट्रॉयड्स बोलते हैं फल्की इज्साम को, जो उन तोड़फोड़ की वजह से आसमान में जो तोड़फोड़ होती है उसकी वजह से जो कुछ जो इज्साम होते हैं वो आवारा इज्साम बोलते हैं उनको, वो फल्की इज्साम यानी वो आसमान में फिर आवारा सितारों सियारों की तरह फिरते रहते हैं, उनको एस्ट्रॉयड्स बोला जाता है। रिवॉल्व अराउंड इट, वो इसके गिर्द घूमते रहते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा सोलर सिस्टम यानी हमारा निज़ाम शमसी। द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, सन जो है सूरज वो सोलर सिस्टम हमारे निज़ाम शमसी का सेंटर यानी मरकज़ है। द क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ इज़ द सन, ज़मीन के जो सबसे क्लोजेस्ट सबसे करीब तरीन जो स्टार है सितारा है वो कौन सा है, सन यानी सूरज है। सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन, सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी वो कंसिस्ट मुश्तमिल होता है ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, सारे प्लैनेट्स पे विच रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सूरज के गिर्द घूमते हैं उन सब पे मुश्तमिल होता है सोलर सिस्टम। द फर्स्ट प्लैनेट दैट रिवॉल्व क्लोजेस्ट टू द सन इज़ मरकरी, अब जो सबसे फर्स्ट जो प्लैनेट है, सबसे पहला सियारा जो है जो क्लोजेस्ट है सन के और घूमता है उसके गिर्द, वो कौन सा है, मरकरी है। सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है, मरकरी। आफ्टर इट इसके बाद द प्लैनेट्स आर वेनस, मरकरी के बाद कौन सा आता है, वेनस। वेनस के बाद इसी तरह से अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून रिस्पेक्टिवली यानी तरतीब वाइज इसी तरह से ये आते जाते हैं। द सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट फॉर आवर अर्थ, सन यानी सूरज जो है एक बिगेस्ट बड़ा जरिया है ऑफ लाइट रोशनी का एंड हीट हरारत का ऑफ आवर अर्थ हमारी ज़मीन के लिए। इनफैक्ट लाइफ ऑन द अर्थ एग्जिस्ट ड्यू टू द सन, इनफैक्ट जो लाइफ है हमारी अर्थ पे वो एग्जिस्ट यानी एग्जिस्ट किसकी वजह से, मौजूद किसकी वजह से है, सन यानी सूरज की वजह से। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वाई डज द सन लुक बिगर देन द अदर स्टार, जो सूरज है वो बाकी स्टार से बड़ा क्यों होता है, दिखाई देता है।
तो इसका आंसर है इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सन इज वेरी नियर टू द अर्थ एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स। तो ये इस वजह से है क्योंकि जो सूरज होता है वो ज्यादा करीब होता है हमारी जमीन के बाकी स्टार्स की निस्बत, एज कम्पेयर टू अदर स्टार्स बाकी स्टार्स की निस्बत ये ज्यादा करीब होता है, इस वजह से ये बड़ा दिखाई देता है। उसके बाद एक इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द सर्कुलर पाथ ऑफ अ प्लैनेट अराउंड द सन इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। यानी जो सूरज के गिर्द घूमने का किसी भी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट जब सूरज के गिर्द घूमता है तो वो जो घूमने का रास्ता होता है उसको क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है, यानी ट्रैक या मदार इसको आप बोल सकते हैं। टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट टू कंप्लीट वन ऑर्बिट इज कॉल्ड अ पीरियड। द टाइम टेकन बाय अ प्लैनेट, वो जो प्लैनेट है वो जितना टाइम कंज्यूम करेगा एक ऑर्बिट कंप्लीट करने में उसको क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हैं, ये सारे जो है प्लैनेट्स के नेम है, मर्करी, वेनस, एंड ये रिलेटिव साइज, यानी साइज इस हिसाब से छोटा बड़ा साइज नहीं है कि मरकरी सबसे छोटा होता है या वेनस बड़ा होता है, ऐसा नहीं है। ये साइज बताए गए हैं कि सबसे ज्यादा सूरज के करीब कौन सा है, फिर उसके बाद सेकंड जो है वो कौन सा ज्यादा क्लोज होता है सूरज के, तो ये वो तरतीब बताई गई है। उसके बाद इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, के सूरज से इनका डिस्टेंस कितना है वो मेयर करके बताया गया है, और डायामीटर, और इनकी डायामीटर यानी इनकी लेंथ कितनी होती है ये बताई गई है। तो सबसे क्लोज हमने पढ़ा था, क्लोजेस्ट जो होता है प्लैनेट वो कौन सा होता है, मरकरी होता है, उसके बाद वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इस तरह से सारे रिस्पेक्टिवली ये इनकी तरतीब है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ईच प्लैनेट हैज अ डिफरेंट स्पीड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सन। ईच प्लैनेट, हर प्लैनेट जो है उसकी डिफरेंट स्पीड होती है, मुख्तलिफ स्पीड और मुख्तलिफ ही फासला होता है फ्रॉम द सन सूरज से। दैट इज वाई द ड्यूरेशन ऑफ द डे ऑन ईच प्लैनेट इज डिफरेंट। इसी वजह से जो ड्यूरेशन होता है दिन का, यानी वक्फा जो होता है दिन का, वो भी हर प्लैनेट में मुख्तलिफ होता है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वेनस इज द थर्ड ब्राइटेस्ट थिंग इन द स्काई आफ्टर द सन एंड मून। वेनस जो है हमारा प्लैनेट जो है ये थर्ड बिगेस्ट ब्राइटेस्ट, तीसरे नंबर पे ये आता है मून, यानी सन के बाद और मून के बाद तीसरे नंबर पे जो है वो वेनस है, जो ब्राइटेस्ट थिंग है, जो चमकदार चीज है हमारे आसमान पे वो वेनस होती है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, लेकिन जो जुपिटर है वो हमारे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा तरीन एक प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम हमारे निज़ाम शमसी में। इसके बाद इन्फॉर्मेशन है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इन एडिशन टू द एट्थ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, यानी निज़ाम शमसी के जो आठ सियारे हैं उनमें से फाइव ड्वार्फ प्लैनेट्स, यानी फाइव पांच जो हैं वो छोटे सियारे जिनको बौने सियारे भी कहा जाता है वो भी होते हैं। अब उनमें कौन कौन से, इंक्लूडिंग प्लूटो, उनमें प्लूटो भी शामिल है। मिलियंस ऑफ एस्ट्रॉयड्स एंड कॉमेट्स आर मूविंग इन दियर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। मिलियंस यानी लाखों की तादाद में जो एस्ट्रॉयड्स, एस्ट्रॉयड क्या होता है हमने पढ़ा है, और कॉमेट्स यानी शूटिंग स्टार जो होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं इन दियर ऑर्बिट्स, इन मदारों में अराउंड द सन सूरज के गिर्द। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है हमें, वर्क इन ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स में काम करें, ग्रुप की शक्ल में। ईच ग्रुप विल मेक अ मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम, हर ग्रुप क्या करे, एक मॉडल बनाए सोलर सिस्टम का, यानी निज़ाम शमसी का एक मॉडल बनाए हर ग्रुप। आपने फर्स्ट क्या करना है, कलेक्ट एट ऑब्जेक्ट्स ऑफ राउंड शेप ऑफ डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट साइजेस में एट ऑब्जेक्ट्स यानी आठ चीजें लेनी है लेकिन वो हो राउंड शेप में। फॉर एग्जाम्पल कलेक्ट अ ग्रेन ऑफ ग्राम, मिसाल के तौर पे आप ग्राम यानी चने का दाना ले लें फॉर मरकरी, उसको मरकरी कंज्यूम कर लें, सॉरी उसको सपोज कर लें कि वो मरकरी है। अ लिटल वॉलनट फॉर वेनस, जो है वो छोटा अखरोट जो है वो उसको वेनस के लिए आप सपोज कर लें कि ये वेनस है। बिग वॉलेंट फॉर अर्थ, बड़ा जो अखरोट का होगा वो आप उसको अर्थ कंज्यूम, अर्थ सपोज कर लें कि ये अर्थ है। प्लेइंग मार्बल फॉर मार्स, जो मार्बल्स यूज़ करते हैं आप वो उसको मार्स सपोज कर लें। बास्केटबॉल फॉर जुपिटर, बास्केटबॉल को जुपिटर बना लें। फुटबॉल को फॉर सैटर्न, फुटबॉल जो है वो सैटर्न बना लें, उसको वो सपोज कर लें। ग्रेपफ्रूट जो होता है उसको यूरेनस, एंड टेनिस बॉल जो होती है उसको नेपच्यून। ये सारे इस तरह से आप आठ चीज़ें जो हैं राउंड भी होंगी और डिफरेंट साइजेस और शेप्स में हैं, तो इस तरह से आप इनको आठ चीज़ों को कलेक्ट कर लें। अच्छा, यू मे हैव, यू मे आल्सो मेक एज अल्टरनेटिव बॉल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस फ्रॉम क्ले और प्लास्टिसाइन एंड पेंट देम विद डिफरेंट कलर्स। यानी आप इसी के जो मुतबादल मट्टी या प्लास्टिक की बनी हुई चीज़ें भी ले सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ रंगों की गेंदे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब राउंड चीज़ जो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए।
फिर आपने क्या करना है, मेक योर मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर एंड साइज ऑफ द प्लैनेट्स एंड अरेंज इट ऑन द टेबल। आपने क्या करना है, मॉडल बनाना है सोलर सिस्टम का, निज़ाम शमसी का, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर। हमें प्लैनेट्स के ऑर्डर पता है कि फर्स्ट कौन सा आता है, सेकंड कौन सा है, तो उस हिसाब से उनके साइजेस के हिसाब से आपने उनको अरेंज कर लेना है ऑन द टेबल, उस एक टेबल पर। फिर आपने क्या करना है, शो द सन ऑल्सो इन योर मॉडल। अपने मॉडल में आपने सन को भी शो करवाना है, सूरज भी होना चाहिए उसमें। सम ग्रुप्स विल मेक अ मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम ऑन चार्ट्स। कुछ ग्रुप्स जो हैं वो अपना जो मॉडल है वो सोलर सिस्टम वाला मॉडल जो है वो चार्ट्स पे भी बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस एंड साइज ऑफ प्लैनेट्स। जो सीक्वेंस बताया गया है और जो साइज के हिसाब से उनके आप जो है वो उनके अकॉर्डिंग चार्ट्स पे भी बना सकते हैं। दे विल कलर एंड हैंग दियर चार्ट्स इन द क्लास रूम। अब आप उनमें कलर्स कर दें और उनको अपनी क्लास में हैंग कर सकते हैं, लगा सकते हैं, लटका सकते हैं। राइट द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स इन दिस पिक्चर। आपने प्लैनेट्स के नेम्स राइट करने, और हमने पढ़ा था कि जो सबसे क्लोजेस्ट है सन के वो कौन सा है, मरकरी था, उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा था, वेनस था। तो आपने इन सब के नेम राइट करने हैं। फर्स्ट जो सबसे क्लोजेस्ट होता है वो कौन सा होता है, मरकरी, उसके बाद जो सेकंड होता है वो वेनस होता है, ये राइट कर देना है आपने। थर्ड जो होता है वो थर्ड नंबर पर आता है, हमारी अर्थ आती है, ये राइट कर दें। फोर्थ आता है मार्स, मार्स के बाद जो फिफ्थ नंबर पे है वो है जुपिटर, ये हमारा जुपिटर है प्लैनेट। सिक्स नंबर पे है सैटर्न, सैटर्न के बाद है यूरेनस, और लास्ट जो है हमारा नेपच्यून। ये सारे आपने इस तरह से राइट कर लेने। के बाद हमारा टॉपिक है मून, चांद। द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर द सन इज द मून। यानी द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट, सबसे जो ब्राइटेस्ट चमकदार चीज होती है अपियरिंग, जो जाहिर हो रही होती है, हमें नजर आ रही होती है इन द स्काई, हमारे आसमान में, आफ्टर द सन, लेकिन सूरज के बाद, वो कौन सी होती है, चांद। इट इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट मतलब प्लैनेट होता है ऑफ द अर्थ, जमीन का। मून कम्प्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इज इन अबाउट 29.5 days। चांद जो है वो कंप्लीट करता है एक चक्कर अपना अराउंड द अर्थ, जमीन के गिर्द, कितने दिनों में, 29.5 days। वी सी द मून ऑलमोस्ट इन अ न्यू शेप एवरी डे। हम हर रोज चांद को तकरीबन एक नई शेप में देखते हैं। समटाइम वी सी अ वेरी थिन मून विच इज़ कॉल्ड क्रेसेंट। समटाइम ऐसा होता है कभी कभार कि हम देखते हैं कि जो चांद होता है वो काफ़ी पतला सा होता है, विच इज़ कॉल्ड, जिसको क्या कहा जाता है, क्रेसेंट कहा जाता है, यानी हाफ मून भी कहते हैं इसको। बट समटाइम ऐसा होता है कि वी सी अ कम्प्लीट मून विच इज़ कॉल्ड फुल मून, बदर जिसको बोलते हैं। समटाइम जो होता है वो चांद पूरा नज़र आ रहा होता है, जिसको बदर बोला जाता है। अमंग ऑल सेलेस्टियल बॉडीज मून इज़ द क्लोजेस्ट टू द अर्थ। सारी जो क्लेस्टियल बॉडीज़ होती हैं उनमें जो सबसे क्लोजेस्ट होता है अर्थ के वो कौन होता है, मून, मून होता है। इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 384,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। तो इसका डिस्टेंस कितना होता है, ये राइट किया गया, इसका डिस्टेंस इतने किलोमीटर जो है ये अर्थ से इसका डिस्टेंस होता है। द साइज ऑफ द मून इज़ मच स्मॉलर देन दैट ऑफ अर्थ। द साइज ऑफ द मून, मून का जो साइज होता है इज मच स्मॉलर, वो बहुत छोटा होता है देन दैट ऑफ अर्थ, जमीन के मुकाबले में इसका साइज छोटा होता है। इट्स डायमीटर इज अबाउट 3,500 किलोमीटर। इसका जो डायमीटर होता है यानी इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 3,500 किलोमीटर होती है। इसके बाद इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, मून ऑल्सो रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मून यानी चांद जो होता है वो अपने ही महवर के गिर्द, एक्सिस यानी महवर के गिर्द जो है वो रोटेट करता है, घूमता है। द ड्यूरेशन इन विच इट्स कम्प्लीट वन ट्रिप अराउंड द अर्थ। द ड्यूरेशन जो ये टाइम लेता है, टाइम पीरियड इसका जो होता है, इन विच इट्स कम्प्लीट, जिसमें ये अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है जमीन के गिर्द। इट ऑल्सो कम्प्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। उतना ही टाइम ये अपने गिर्द भी लेता है, जब अपने गिर्द रोटेट करता है तो उतना ही टाइम, उतने ही टाइम में अपने गिर्द भी चक्कर मुकम्मल करता है, अपने एक्सिस के गिर्द भी और जमीन के गिर्द भी। दैट इज़ वाई वी कैन सी ओनली द सेम वन हाफ ऑफ द सर्फेस ऑफ द मून। यही वजह होती है कि हम सिर्फ चांद का जो है वो एक साइड से उसको देख सकते हैं, वी नेवर सी द अदर हाफ। दूसरा जो अदर हाफ होता है यानी दूसरा हिस्सा जो होता है आधा, वो हमें नज़र नहीं आता।
द मून कम्प्लीट्स वन राउंड अराउंड अर्थ इन 27.3 डेज, यानी जो चांद है वो कम्प्लीट करता है, मुकम्मल करता है वन राउंड, एक जो राउंड है, एक चक्कर जो है अराउंड अर्थ, जमीन के गिर्द, वो कितने दिनों में? 27.3 डेज इसको लगते हैं एक चक्कर कम्प्लीट करने में. सिंस द अर्थ इज ऑल्सो मूविंग, जबकि जो जमीन है वो भी मूव करती है, अ कम्प्लीट राउंड ऑफ मून, चांद के गिर्द जो है वो एक कम्प्लीट राउंड वो मुकम्मल करती है, इज कम्प्लीटेड फॉर अस इन 29.5 डेज, यानी वो कितने, जमीन कितने दिनों में चक्कर मुकम्मल करती है? 29.5 डेज में. इसके बाद है एब एंड फ्लो ऑफ मून, यानी चांद का बकायदा रहना या बार बार तब्दील होना. डज द मून हैव द सेम शेप ऑल द टाइम, क्या जो चांद की शेप होती है, शक्ल उसकी, वो एक ही तरह की रहती है ऑल द टाइम, मतलब वो स्टिल रहता है एक ही शक्ल में. वट डज द मून ऑफ ईद उल फितर लुक लाइक, ईद उल फितर का चांद कैसा दिखाई देता है? ऑन दैट डे, उस दिन जो है, वट इज द डेट ऑफ द लूनर मंथ, जो कमरी महीना होता है हमारा इस्लामिक मंथ, उसकी क्या डेट होती है? द एब एंड फ्लो ऑफ द मून इन द स्काई इज ड्यू टू इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ, यानी द एब एंड फ्लो, चांद का जो बार बार तब्दील होना है, ड्यू टू, वो किस वजह से होता है? इन द स्काई जो चांद है उसका, ड्यू टू इट्स रोटेशन, वो इसकी रोटेशन की वजह से होता है, गर्दिश की वजह से होता है अराउंड द अर्थ, जो वो जमीन के गिर्द करता है. एज द मून रिफ्लेक्ट्स द सन रेज टूवर्ड्स द अर्थ, जो मून है यानी चांद जो है वो जब सन रेज को रिफ्लेक्ट करता है, सन रेज यानी सूरज की जो शुआएं होती हैं उनको, टूवर्ड्स द अर्थ, अर्थ की जानिब, अर्थ की जानिब यानी जमीन की जानिब, वो जो शुआएं हैं सूरज की वो उनको रिफ्लेक्ट करता है. सो व्हेन द सन रेज आर फॉलिंग, तो जब ये सन रेज जो होती हैं वो फॉलिंग पड़ती हैं या ऑन द पार्ट ऑफ द मून, चांद के उस हिस्से पर, दैट इज ऑपोजिट टू द अर्थ, जो अर्थ के जमीन के दूसरी साइड यानी ऑपोजिट साइड पे होता है, जब उस पर पड़ती है, वी कैन नॉट सी द मून, तो हम चांद को नहीं देख सकते. ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लूनर मंथ, जब फर्स्ट डे होता है लूनर यानी कमरी महीने का, जो पहला दिन होता है, वी सी वेरी नैरो सनलाइट ऑन द एज ऑफ द मून, तो हमें जो है वो नैरो सनलाइट यानी जो थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है ऑन द एज ऑफ द मून, चांद के किनारे पर, मतलब थोड़ा सा चांद दिखाई देता है. दिस इज कॉल्ड क्रेसेंट, इसको क्रेसेंट कहा जाता है, क्रेसेंट यानी हाफ चांद भी हाफ मून भी बोलते हैं इसको. इट इज शोज एट पोजिशन वन इन द फिगर, जैसे कि हमें डायग्राम में भी सामने शो हो रहा है कि जो पहला दिन होता है उसमें चांद की थोड़ी सी रोशनी दिखाई देती है, ये देखें हमें थोड़ा सा चांद दिखाई दे रहा है. ड्यूरिंग इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ, तो जो रोटेशन यानी गर्दिश के दौरान अराउंड द अर्थ जमीन के गिर्द, इट ट्रेवल्स थ्रू पोजीशन टू टू पोजीशन फाइव, यानी फिर ये ट्रेवल करता जाता है पोजीशन टू से पोजीशन फाइव तक, जिसको फुल मून भी कहा जाता है. इन दिस पीरियड, तो इस जो पीरियड में, इस वक्फे में, इट्स साइज ग्रेजुअली इंक्रीजेस, तो इसका साइज जो होता है वो इंक्रीज होता जाता है. ये देखें पहले पोजीशन टू में आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो था, फर्स्ट डेट जो थी उसमें थोड़ी सी रोशनी दिखाई दे रही थी चांद के किनारे पर, फिर उससे ज्यादा हुई, फिर उससे ज्यादा, और फाइव देखें पोजिशन फाइव पे जब ये आया तो फुल मून यानी पूरा चांद बन गया, इसमें पूरा रोशन हो गया. एट पोजिशन फाइव इट बिकम्स फुल मून, तो जब ये पोजिशन फाइव पे आया तो क्या हो गया, फुल मून यानी बदर बन गया. आफ्टर दिस इट्स ब्राइट पार्ट ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड इवेंचुअली इट डिसअपियर. आफ्टर दिस, अब इसके बाद क्या होगा, इट्स ब्राइट पार्ट यानी इसका जो ब्राइट रोशन वाला हिस्सा होगा वो ग्रेजुअली डिक्रीजेस, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, उसमें कमी होनी शुरू हो जाएगी, एंड इवेंचुअली इट डिसअपियर, और आखिर ये डिसअपियर हो जाएगा. डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द मून हैज नो एटमोसफेयर, यानी चांद की जो कोई भी फिजा नहीं होती, उसका कोई भी फिजा नहीं होती, एटमोसफेयर नहीं होता उसका. मोर ओवर, मजीद, देयर इज नो वाटर ऑन द मून, चांद पे जो है वो पानी भी नहीं होता, दैट इज वाई नो लाइफ एग्जिस्ट देयर, इसी वजह से वहां कोई भी जिंदगी जो है वो मुमकिन नहीं है. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ऑल प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम हैव मून्स एक्सेप्ट मर्करी एंड वेनस. ऑल प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम यानी निजामे शमसी के जितने भी सियारे हैं सब में चांद होता है, एक्सेप्ट किसके अलावा, मर्करी एंड वेनस के अलावा. जुपिटर एंड सैटर्न हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, जबकि जुपिटर और सैटर्न में मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा नंबर में मून्स यानी तादाद होती है चांद की. रोटेशनल मूवमेंट ऑफ अर्थ यानी जमीन की गर्दशी हरकत.
आवर अर्थ नॉट ओनली रिवॉल्व इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन बट इट ऑल्सो रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। हमारी जो जमीन है वो ना सिर्फ रिवॉल्व यानी घूमती है इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन सूरज के गिर्द इसके ऑर्बिट में इसके मदार में बल्कि इट ऑल्सो रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस बल्कि ये अपने एक्सिस अपने महवर के गिर्द भी रोटेट करती है गर्दिश करती है। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन दैट पासिस थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ। ये जो एक्सिस होता है एक इमेजिनरी लाइन होती है दैट पासिस थ्रू द नॉर्थ जो पास हो रही होती है गुजर रही होती है नॉर्थ नॉर्थ एंड साउथ शुमाली और जनूबी जो पोल्स होते हैं ऑफ द अर्थ जमीन के उनमें से। इट इज डे इन द पार्ट ऑफ द अर्थ जमीन के उस हिस्से पर जमीन के जो है वो एक हिस्से पर दिन होता है उस हिस्से पर दिन होता है विच इज इन फ्रंट ऑफ द सन जो सूरज के सामने होता है जो जमीन का हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां पे दिन होता है वाइल इट इज नाइट इन द अदर पार्ट जबकि जो दूसरा हिस्सा होता है वहां विच इज ऑपोजिट टू द सन जो सन के सूरज के ऑपोजिट साइड पे होता है वहां जो है वो नाइट यानी रात होती है। द अर्थ कम्प्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। जो जमीन है वो कंप्लीट करती है मुकम्मल करती है अपना एक चक्कर अराउंड इट्स एक्सिस अपने महवर के गिर्द इन 24 आवर्स यानी 24 घंटों में। 24 घंटों में जो जमीन है वो अपने महवर के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है डे एंड नाइट आर ड्यू टू द रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। जो दिन और रात जो है वो किस वजह से होते हैं रोटेशनल मोशन यानी गर्दिश की वजह से ऑफ द अर्थ जमीन की गर्दिश की वजह से दिन और रात होते हैं। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो जमीन है वो मगरिब से मशरिक की तरफ जो है वो रोटेट करती है। दिस इज द रीजन दैट द सन अपीयर्स टू द राइज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। यही वजह है कि जो सूरज होता है वो मशरिक से निकलता है मगरिब में गरूब हो जाता है। डू यू नो क्या आप जानते हैं एवरी प्लैनेट इज एट अ डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड रिवॉल्व्स एट डिफरेंट स्पीड। यही एवरी प्लैनेट जो हर सियारा जो है इज एट अ डिफरेंट डिस्टेंस वो एक डिफरेंट मुख्तलिफ डिस्टेंस फासले पर होता है फ्रॉम द सन सूरज से एंड रिवॉल्व्स एट डिफरेंट स्पीड और रिवॉल्व करता है घूमता है एक डिफरेंट स्पीड के साथ। देयरफॉर द रोटेशन ऑफ द डे इज डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। तो यही वजह है कि जो ड्यूरेशन होता है ऑफ डे दिन का इज डिफरेंट वो डिफरेंट होता है मुख्तलिफ होता है ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। डिफरेंट प्लैनेट्स पे जो दिन का ड्यूरेशन होता है वो भी मुख्तलिफ होता है। एक्टिविटी दी गई है हमें टेक अ ग्लोब एंड थ्रो टॉर्च लाइट ऑन इट एट वन साइड। एक ग्लोब लें ठीक है ये आपके सामने शो हो रहा है और उस पर क्या करना है आपने टॉर्च से लाइट को थ्रो करना है एक साइड पे। हेयर ग्लोब रिप्रेजेंट द अर्थ एंड टॉर्च रिप्रेजेंट द सन। यहाँ पे जो ग्लोब होगा वो अर्थ की रिप्लेसमेंट है यानी अर्थ की जगह पे हमने ये ग्लोब यूज कर लिया है और जो सन की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया है टॉर्च यूज कर लिया है। सेकेंड है इज द एंटायर सर्फेस ऑफ द ग्लोब लाइटेड। क्या जो ग्लोब का सारा हिस्सा जो है वो लाइटेड रोशन है। इज ओनली द हाफ ऑफ द ग्लोब दैट इज इन फ्रंट ऑफ टॉर्च लाइटेड। या फिर जो हाफ उसका पार्ट है वो रोशन है जो टॉर्च के सामने है वो सिर्फ वो वाला हिस्सा जो है रोशन है बाकी जो है वो डार्क है। इज द अदर हाफ डार्क दैट इज ऑपोजिट टू द टॉर्च। तो यही जैसा कि एक हिस्सा जो सूरज के सामने है यानी जो टॉर्च के सामने है वो लाइटेड है और दूसरा जो है वो उसके ऑपोजिट साइड जो है वो डार्क है। नाउ रोटेट द ग्लोब स्लोली इन फ्रंट ऑफ द लाइटेड टॉर्च। अब आपने क्या करना है इस ग्लोब को रोटेट करते जाना है स्लोली इसको ऐसा ऐसा रोटेट करना है इस रोशनी के सामने यानी जो टॉर्च में से निकल रही है उसके सामने आपने इसको रोटेट करते जाना है। इट इज डे एट द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इन फ्रंट ऑफ द लाइट यानी जो हिस्सा ग्लोब का सूरज के सामने आएगा टॉर्च के सामने आएगा तो वो वहां पे दिन होगा। वेयर एज इट इज नाइट ऑन द रिमेनिंग पार्ट और जो बाकी डार्क वाला पार्ट होगा उसके ऑपोजिट साइड वहां पे रात होगी। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन ऑफ चेंजिंग शेडोज विद एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ यानी रिलेशन बताना है हमने ताल्लुक बताना है ऑफ चेंजिंग शेडोज यानी साए जो है वो हमारे चेंज होते रहते हैं विद एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ यानी जमीन की महवरी गर्दिश के दौरान ये साए जो होते हैं ये चेंज होते रहते हैं तो इनमें क्या ताल्लुक है हमें ये बताना है। ड्यूरिंग अर्थ एक्सियल रोटेशन जब जमीन की महवरी गर्दिश के दौरान द सन अपीयर्स टू राइज इन द पार्ट ऑफ द अर्थ सूरज जमीन के इस हिस्से में जो है वो तुलू होता दिखाई देता है दैट कम्स इन फ्रंट ऑफ द सन जो सूरज के सामने होता है। एट दिस टाइम और इस वक्त जो है वी सी लॉन्ग शेडोज हम जो है वो लंबे साए देखते हैं यानी हमारे शेडोज जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं।
ऑफ ट्रीज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, यानी दरख्तों के या दूसरे चीजें जो हैं उनके साए जो होते हैं वो लंबे होते हैं। एज द अर्थ कीप्स रोटेटिंग, जैसे जैसे अर्थ जो है वो रोटेट करती जाती है, द शेडोज ग्रेजुअली डिक्रीजेस इन साइज, तो जो शेडोज होते हैं साए जो होते हैं वो साइज में डिक्रीज होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। एट नून, दोपहर के वक्त द शेडो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, दोपहर के वक्त जो साए होते हैं वो ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज का जो साया होता है, इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, वो साइज में छोटा होता है। ऑन फर्दर रोटेशन ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे मजीद जो है जमीन जो है वो रोटेट करती जाती है, द साइज ऑफ शेडोज ग्रेजुअली इंक्रीजेज, तो जो किसी भी चीज का जो शेडो साया होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज, वो बढ़ना शुरू हो जाता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मुखालिफ सिमत में। जस्ट बिफोर द सनसेट, जैसे ही सनसेट यानी गुरूबे आफ्ताब होता है, द शेडोज अगेन बिकम लॉन्ग एज दे वर इन द मॉर्निंग, तो जो साए होते हैं वो अगेन बिकम लॉन्ग, फिर से लंबे हो जाते हैं, एज दे वर इन द मॉर्निंग, जैसे कि वो मॉर्निंग में थे। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, सिलेक्ट लोकेशन इन योर स्कूल प्ले ग्राउंड वेयर द वेयर देयर इज सनलाइट, यानी अपने स्कूल में आपने, अपने स्कूल के प्ले ग्राउंड में आपने एक जगह जो है वो लोकेशन जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है जहाँ पे धूप हो, जहाँ पे सनलाइट हो। फिक्स अ स्टिक एट दिस लोकेशन इन द ग्राउंड, और वहां पे आपने एक स्टिक जो है वो फिक्स कर देनी है। फिर आपने क्या करना है, ऑब्जर्व द शेडो ऑफ दिस स्टिक 3 or 4 times, अब उस शेडो को जो स्टिक का जो साया होगा आपने 3 से 4 दफा उसको चेक करना है, यानी एग्जाम्पल के तौर पे 8 बजे चेक कर लें, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, इस तरह फिर दोपहर को 2 बजे, तो आपने डिफरेंट टाइम्स वो 3 से 4 times जो है वो आपने चेक करना है उसके शेडो को। एंड मार्क द लेंथ ऑफ शेडोज विद लाइन टाइम विद लाइम ईच टाइम, मतलब कि हर दफा जब आपने चेक करना है तो मार्क करते जाना है कि 8 बजे साया जो था वो इतना था, फिर 10 बजे इतना हुआ, लॉन्ग हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, जो भी होगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वो आपने मार्क करते जाना है। डिड यू ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ शेडोज, क्या आपको इनमें कोई डिफरेंस नजर आया, सो द साइज ऑफ शेडोज चेंज फ्रॉम लॉन्ग टू शॉर्ट एंड देन फ्रॉम शॉर्ट टू लॉन्ग, यानी जो साए होंगे वो छोटे से बड़ा और बड़े से छोटे साइज में तब्दील होते रहेंगे, इनमें इट्स मीन चेंज आता है। नेक्स्ट टॉपिक है एनुअल रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यानी सूरज के गिर जमीन की सालाना जो गर्दिश होती है, एनुअल रोटेशन। द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिटल मोशन, यानी द रेवोल्यूशन जो गर्दिश होती है ऑफ द अर्थ जमीन की अराउंड द सन, सूरज के गिर्द, वो क्या कहलाती है, उसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। The path of Earth's revolution around the sun is almost circular. जो रास्ता होता है around the sun, सूरज के गिर्द जमीन की जो गर्दिश का रास्ता होता है वो almost circular, वो circle यानी circle में होता है, गुलाई में होता है। The Earth completes one revolution around the sun in about 365 days. जो जमीन है वो complete करती है one revolution, अपना एक चक्कर around the sun, सूरज के गिर्द, कितने दिनों में, 365 days में। This period is called 1 year. अब इसको क्या कहते हैं, इस पीरियड को, इस टाइम को 1 year यानी एक साल कहते हैं। The Earth's axis is tilted toward one side. तो जमीन का जो झुकाव होगा वो toward एक साइड की जानिब होगा। Due to it, इस वजह से the sun rays fall vertically at northern hemisphere of the earth. यानी जो sun rays होंगी वो fall पड़ेंगी vertically amudi at the northern hemisphere, यानी शुमाली जो निस्फ कुर्रा होगा वहाँ पे of the earth, जमीन के। Therefore, the duration of the day increases. लेकिन जो duration होगा यानी टाइम पीरियड जो होगा ऑफ द डे, दिन का, वो इंक्रीज होता जाएगा, एंड दैट ऑफ द नाइट डिक्रीजेस, और रात का जो वक्फा होगा वो कम होता जाएगा, दिन का बढ़ता जाएगा और रात का कम होता जाएगा। हैंस इट इज समर सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी जो शुमाली निस्फुरा होगा वहां पे कौन सा सीजन होगा, समर सीजन होगा। ड्यूरिंग द सेम टाइम, अब इसी टाइम सेम टाइम में जिस द साउथर्न हेमिस्फीयर ऑफ द अर्थ, जो साउथर्न हो गई यानी जनूबी जो निस्फ कुर्रा होगा वहाँ पे ऑफ द अर्थ, जमीन के, रिसीव स्लैंटिंग सन रेज, वहाँ पे क्या सन रेज किस तरह से पड़ रही होंगी, स्लैंटिंग यानी तिरछी पड़ रही होंगी। देयरफॉर इन दिस पार्ट, इस वजह से ये वाला जो हिस्सा होगा, ड्यूरेशन ऑफ द डे डिक्रीजेज, यानी दिन का वक्फा कम होता जाएगा, एंड दैट ऑफ द नाइट इंक्रीजेज, और जो रात का वक्फा होगा वो इंक्रीज होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एंड इट इज विंटर हेयर, और यहाँ पे क्या होगा, विंटर सीजन होगा। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इसको पढ़ लेते हैं। इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट, आपने क्या करना है, पास अ लॉन्ग नीडल थ्रू अ रबर बॉल, यानी एक रबर की बॉल में से आपने एक नीडल को यानी सुई को जो है वो पास गुजारना है। फिर आपने क्या करना है, ड्रॉ एन ऑलमोस्ट सर्कुलर पाथ ऑन द टेबल, एक टेबल पे आपने ऑलमोस्ट जो है वो सर्कुलर पाथ
जो गोल रास्ता जो है वो बनाना है, इस तरह से जैसे कि आपको एज शोन इन द डायग्राम, एज शोन इन द पिक्चर, जैसे कि इस पिक्चर में यहाँ पे डायग्राम में भी शो किया गया है। लाइट एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इस जो सर्कल बनाया है आपने, इसके बिटवीन, इसके बीच में आपने एक इलेक्ट्रिक बल्ब, रोशन जो बल्ब होगा वो रख देना है। बेंड द नीडल अ लिटिल टूवर्ड्स राइट। अब आपने बेंड करना है नीडल को, उस सुई को, सिलाई को, टूवर्ड्स राइट यानी दाएं जानी। होल्ड द बॉल बाय द नीडल। अब आपने बॉल को जो है वो पकड़ लेना है बाय द नीडल, जो नीडल की मदद से, एंड प्लेस इट एट पॉइंट्स, और आपने प्लेस यानी रख देना है इसको, 1 2 3, ये जो पोजिशंस दिखाई गई हैं इस तरह से आपने इनको रख देना है। सो द टिल्ट डज नॉट चेंज। तो आप देखेंगे कि उनका जो झुकाव होगा उनका वो चेंज नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, ऑब्जर्व द लाइट फॉलिंग ऑन द बॉल। ऑब्जर्व करना है लाइट को जो फॉल पड़ रही है उस पे, बॉल पे। व्हेन इट इज एट दीज 4 स्टेप्स, इन 4 स्टेप्स में आपने लाइट जो है वो किस तरह से पड़ रही है उस पे, इसको ऑब्जर्व करना है। व्हाट विल बी द सीजन इन द पार्ट ऑफ अर्थ विच रिसीव्स वर्टिकल लाइट। अब जो वर्टिकल लाइट रिसीव कर रही है बॉल, उनपे उनमें कौन सा सीजन होगा, एंड व्हाट विल बी द सीजन इन द पार्ट ऑफ द अर्थ एट विच द लाइट इज स्लैंटिंग, जहाँ पे तिरछी रेज पड़ रही है, ये जो हमने बीच में इलेक्ट्रिक बल्ब रखा हुआ है, तो कौन सी बॉल्स हैं जिन पे तिरछी रेज पड़ रही हैं, वहां पे आपने सीजन जो है वो बताना है कौन सा होगा, और जिन पे वर्टिकली पड़ रही हैं हमें उनमें भी बताना होगा। तो इसका आंसर है द पार्ट वेयर वर्टिकल लाइट फॉल हैव समर सीजन, वाइल द पार्ट वेयर लाइट इज जो है वो स्लांटिंग रेज जहाँ पे पड़ रही हैव विंटर सीजन। तो जिस हिस्से पर अमूदन पड़ेंगी वो मौसम गर्मा होगा वहां पे, और जहां पे स्लैंटिंग तिरछी पड़ेंगी वहां पे कौन सा सीजन होगा, समर सीजन होगा। द एनुअल रोटेशन ऑफ द अर्थ यानी जमीन जमीन की जो सालाना गर्दिश होती है, एंड द टिल्ट उसका जो झुकाव होता है इन इट्स एक्सिस अपने महवर के गिर्द, वो कॉज वजह होता है चेंज इन सीजन, वो सीजन यानी मौसम के चेंज होने की वजह होता है। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स बोलते हैं चांद ग्रहण को। ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। ड्यूरिंग द रोटेशन यानी गर्दिश के दौरान, ऑफ द मून चांद की, अराउंड द अर्थ जब वो जमीन के अराउंड गिर्द कर रहा होता है, समटाइम द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। तो समटाइम यानी कभी कभार ऐसा होता है कि जो जमीन होती है वो कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, सूरज और चांद के बीच में आ जाती है, रोटेट करते करते, गर्दिश करते करते वो चांद और सूरज के बीच में आ जाती है। ड्यू टू इट, इस वजह से द सनलाइट डज नॉट रीच द मून। तो जो सनलाइट होती है वो जमीन मून तक यानी चांद तक नहीं पहुंच पाती। देयर फॉर अ शेडो ऑफ द अर्थ इज फॉर्म्ड। तो इसी वजह से जो एक शेडो होता है जमीन का वो बन जाता है ऑफ ऑन द मून, जमीन उस पे चांद पर, एंड इट लुक्स डार्क, और चांद जो है वो डार्क यानी दिखाई देने लगता है। दिस इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स। इसको चांद ग्रहण कहते हैं यानी लूनर इक्लिप्स कहते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, प्लेस अ टॉर्च, अ फुटबॉल एंड अ टेनिस बॉल इन वन लाइन एज शोन इन द फिगर। यानी कि जैसे हमें डायग्राम में शो किया गया है, एक टॉर्च, फुटबॉल और टेनिस बॉल जो है वो हमें एक लाइन में रख लेनी है। उसके बाद क्या करना है, लाइट द टॉर्च, जो टॉर्च है उसको जला लेना है, एंड ऑब्जर्व द शेडो ऑफ द फुटबॉल ऑन द टेनिस बॉल। यानी फिर हमने जो है इनके शेडोज को ऑब्जर्व करना है। इफ यू कंसिडर द टेनिस बॉल एज मून। अब आपने क्या करना है, कंसिडर कर लेना यानी सपोज कर लेना या अज्यूम कर लेना है कि जो टेनिस बॉल है वो है चांद, और फुटबॉल जो है एज अर्थ, फुटबॉल को एज अर्थ सपोज कर लेना है, एंड टॉर्च एज सन, और जो टॉर्च होगी वो सूरज हो, और जो टॉर्च होगी उसको सन कंसिडर कर लेना है। डज दिस मॉडल शो लूनर इक्लिप्स। क्या ये जो मॉडल है, ये जो हमने बनाया है, ये लूनर इक्लिप्स को शो कर रहा है, एक्सप्लेन। तो इसका आंसर हमें बताना है। तो बिल्कुल यस, दिस मॉडल शोज द फिनोमेना ऑफ लूनर इक्लिप्स, बिकॉज इन द सेम पैटर्न इन इक्लिप्स अर्थ कम्स इन बिटवीन द मून एंड सन। यानी जी बिल्कुल, ये हमें शो करवा रहा है चांद ग्रहण को, क्योंकि जो चांद ग्रहण में जमीन और सूरज जो होते हैं वो चांद के दरमियान आ जाती है, जमीन जो है वो सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, इसलिए ये सूरज चांद ग्रहण जो होता है। उसके बाद है सोलर इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण। समटाइम ड्यूरिंग इट्स रोटेशन अराउंड द अर्थ। समटाइम कभी कभार जब ये गर्दिश कर रहा होता है अराउंड द अर्थ, जमीन के गिर्द, सूरज की बात हो रही है कि सूरज जब गर्दिश कर रहा होता है जमीन के गिर्द, द मून कम्स बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो चांद क्या करता है, वो बिटवीन द अर्थ एंड द सन यानी जमीन और सूरज के बीच में आ जाता है। इन दिस कंडीशन, अभी सूरत हाल में, द सन इज हिडन बिहाइंड द मून। जो सूरज होता है वो बिहाइंड द मून यानी चांद के पीछे जो है वो छुप जाता है।
एंड इज नॉट विजिबल फ्रॉम द अर्थ, तो वो जमीन से दिखाई नहीं देता फिर हमें. अ शेडो ऑफ द मून फॉल्स ऑन द अर्थ, जो शेडो होता है जमीन मून यानी चांद का, फॉल्स ऑन द अर्थ, वो जमीन पे पड़ता है. इट इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स. अब इसको क्या कहते हैं? सोलर इक्लिप्स कहते हैं, यानी सूरज ग्रहण कहते हैं. द कम्प्लीट सोलर इक्लिप्स इज वेरी रेयर, यानी जो कम्प्लीट मुकम्मल जो सूरज ग्रहण होता है वो काफी कम होता है, रेयर कम. यूजली वी सी पार्शल सोलर इक्लिप्स, हम जो है वो पार्शल यानी अनफिनिश्ड अनफिनिश्ड जो है सोलर इक्लिप्स देखते हैं, सूरज ग्रहण जो होता है. इट इज बिकॉज द मून इज मच स्मॉलर देन अर्थ. ये क्यों होता है? क्योंकि जो मून चांद होता है वो इज मच स्मॉलर, वो बहुत छोटा होता है जमीन से. सो इट्स शेडो फॉल्स ओनली एट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ. तो इसका जो शेडो होता है, इसका साया जो होता है, वो सिर्फ जमीन के कुछ हिस्से पर ही पड़ता है. देयरफॉर द सोलर इक्लिप्स कैन बी सीन ओनली इन दोज पार्ट्स ऑफ द अर्थ. तो यही वजह होती है कि जो सोलर इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण जो होता है वो कैन बी सीन, वो देखा जाता है ओनली इन दोज पार्ट्स, बस उन्हीं हिस्सों में ऑफ द अर्थ जमीन के. यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, प्लेस अ टॉर्च अ फुटबॉल एंड अ टेनिस बॉल इन वन लाइन एज शोन इन द फिगर. जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, आपने एक टॉर्च फुटबॉल और टेनिस बॉल जो है वो एक लाइन में रख लेने. फिर आपने क्या करना है, इन दिस एक्टिविटी प्लेस द टेनिस बॉल नियरर टू द फुटबॉल. अब इस सूरज ग्रहण में जब आपने ये प्रैक्टिकल करना है तो आपने क्या करना है, प्लेस द टेनिस बॉल नियर टू द फुटबॉल, टेनिस बॉल को फुटबॉल के करीब रख देना है. लाइट द टॉर्च, अब आपने जो टॉर्च को जलाना है, एंड ऑब्जर्व द शेडोज ऑफ द टेनिस बॉल, और टेनिस बॉल का जो शेडो होगा वो उस पर फुटबॉल पे जब पड़ेगा तो आपने वो ऑब्जर्व करना है. ये देखें यहाँ पे जो टेनिस बॉल होगी उसका शेडो पड़ रहा है फुटबॉल पे. Does the shadow fall only one some part of the football? क्या जो shadow है वो सिर्फ कुछ हिस्से पर पड़ा है? If you consider the tennis ball as the moon, अगर आप consider कर लें, suppose कर लें tennis ball को as moon, यानी इसको tennis ball को as moon consider कर लें, football as earth, football जो है वो हमारी earth suppose कर लें, and torch as sun, और torch जो है वो उसको सन कंसिडर कर लें. डज दिस मॉडल शो सोलर इक्लिप्स, तो क्या ये जो मॉडल है ये सूरज ग्रहण को शो करता है? एक्सप्लेन वाई इज द सोलर इक्लिप्स यूजली पार्शल. सो इसका आंसर है येस, दिस मॉडल शो सोलर इक्लिप्स बिकॉज लाइक टेनिस बॉल द मून कम्स इन बिटवीन द बोथ सन एंड एज वेल एज अर्थ. यानी जो ये मॉडल जो है वो सूरज ग्रहण को शो कर रहा है, क्योंकि जो टेनिस बॉल की तरह सूरज ग्रहण में चांद जो है वो जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, तो इस वजह से ये जो है एक मॉडल है सूरज ग्रहण का. नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है. एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिक द करेक्ट आंसर. हमने इनमें से सही ऑप्शन को चूज करना होगा. फर्स्ट है, द ग्रेविटी ऑफ विच बॉडी कीप्स प्लैनेट्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज टुगेदर इन द सोलर सिस्टम. यानी जो फलकी जिस्म की ग्रेविटी जो है वो सियारों और दीगर इंसान जो होते हैं फलकी, वो सोलर सिस्टम से जोड़े रखती है. कौन से? जुपिटर, अर्थ, सन या मून? तो इसका सही आंसर है सन. द अर्थ कम्प्लीट्स इट्स रोटेशन अराउंड द सन इन 365 डेज. दिस पीरियड इज कॉल्ड. अब जमीन जो है वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर जो है वो 365 दिनों में मुकम्मल करती है, तो इस टाइम पीरियड को इस क्या बोलेंगे, सोलर ईयर, सोलर मंथ, लूनर मंथ या लूनर ईयर? तो इसका सही आंसर है सोलर ईयर. उसके बाद जो क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, ड्यू टू द एनुअल रोटेशन ऑफ अर्थ एंड टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस. यानी जमीन की जो सालाना गर्दिश और महवर के जो झुकाव की वजह है, क्या वजह होता है इसका? डे एंड नाइट आर फॉर्म्ड, सीजन चेंज, इक्लिप्सिस आर फॉर्म्ड या फिर शेडोज आर फॉर्म्ड? तो इसका सही आंसर है सीजन चेंज होते हैं. ऑन द ग्लोब इन विच पार्ट ऑफ द अर्थ इज पाकिस्तान सिचुएटेड. यानी जो ग्लोब होता है ग्लोब के मुताबिक पाकिस्तान जमीन के हिस्से पर वाकया है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर, हाफ इन नॉर्दर्न एंड हाफ इन साउथर्न हेमिस्फीयर? तो इसका सही आंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. उसके बाद है, विच प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम डज नॉट हैव एनी मून. यानी सोलर सिस्टम के किस सियारे का कोई चांद नहीं होता? जुपिटर, वेनस, मार्स, सैटर्न? तो इसका सही आंसर है वेनस, वेनस का कोई चांद नहीं होता. नेक्स्ट हमारे शॉर्ट क्वेश्चन है. शॉर्ट क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन देखें, वी कैन ओनली सी वन साइड ऑफ द मून, एक्सप्लेन. यानी हम जो है वो सिर्फ चांद की एक साइड देख पाते हैं, कैसे इसको एक्सप्लेन करना है? तो इसका आंसर हमने
हमारे चैप्टर में पढ़ा था। नंबर 107 पे इसका आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। मून ऑल्सो रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, द ड्यूरेशन इन विच इट कम्प्लीट्स वन ट्रिप अराउंड द अर्थ, इट ऑल्सो कम्प्लीट्स वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, दैट इज वाई वी कैन सी ओनली द सेम हाफ, वन हाफ ऑफ द सर्फेस ऑफ द मून, वी नेवर सी द अदर हाफ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है, इफ देयर वर नो टिल्ट इन द अर्थ एक्सिस हाउ वुड इट हैव अफेक्टेड द सीजन, अगर ज़मीन का जो महवरी झुकाव जो है वो ना होता तो मौसमियाती तब्दीली पर इसका क्या असर पड़ता। तो इसका आंसर है, इफ देयर वर नो टिल्ट इन द अर्थ एक्सिस द चेंजेस इन सीजन कुड नॉट अकर्ड, अगर ये झुकाव ना होता, ज़मीन का महवर का झुकाव ना होता तो हमारे ज़मीन पर जो हमारे ज़मीन पर मौसम है वो तब्दील ना होते, वो चेंज नहीं होते। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, व्हेन इट इज़ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन व्हाट विल बी द सीजन इन साउथर्न हेमिस्फीयर, अगर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा। तो इसका आंसर है, व्हेन इट इज़ विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देन देयर विल बी समर ऑन साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी अगर निसफ़पुर्रा जो है शमाली उसमें सर्दी का मौसम चल रहा है तो जनूबी निसफ़पुर्रा में कौन सा मौसम होगा, गर्मी का मौसम होगा। चौथा क्वेश्चन है, विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन, कौन सा प्लैनेट, कौन सा जो सियारा है वो करीब तरीन है सूरज के। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि सबसे करीब तरीन सियारा कौन सा होता है, मरकरी। तो इसका आंसर है, मरकरी इज द क्लोजेस्ट टू द सन। लास्ट है, वाई इज द सोलर इक्लिप्स यूजली पार्शल, जो सोलर इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण जो है वो आमतौर पर जो पार्शल क्यों नजर आता है। तो इसका आंसर है, यूजली वी सी पार्शल सोलर इक्लिप्स, इट इज़ बिकॉज द मून इज मच स्मॉलर देन अर्थ, सो इट्स शेडो फॉल्स ऑन ओनली एट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। तो चाँद जो है वो ज़मीन के मुकाबले में काफ़ी छोटा है, तो उसकी जो शेडोज यानी साया जो होता है वो ज़मीन के कुछ हिस्से पर ही पड़ता है, इस वजह से सूरज ग्रहण जो है वो काफ़ी इलाकों में नज़र नहीं आता। इसके बाद कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, विच फिनोमिना आर शोन इन द फॉलोइंग फिगर, ये हमें फिगर्स दी गई हैं और हमने बताना है कि इनमें से लूनर इक्लिप्स कौन सा है और सोलर इक्लिप्स कौन सा है। तो ये देखें, इस डायग्राम को देखें, इस वाली साइड को हमें देख के शो हो रहा है कि ये जो है ये सोलर इक्लिप्स है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो सोलर इक्लिप्स में ऐसा होता है कि जब सूरज जो है वो गर्दिश करता हुआ ज़मीन के गिर्द जब गर्दिश करता है तो जो चांद होता है वो बिटवीन आ जाता है सन और अर्थ, ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाता है चांद। तो इस वजह से जो सन यानी सूरज जो होता है वो हिडन हो जाता है, चांद के पीछे वो छुप जाता है। तो इस वजह से जो शेडो होता है मून यानी चांद का, जो शेडो होता है वो फॉल्स ऑन द अर्थ, वो ज़मीन पर पड़ता है। तो ये क्या कहलाता है, ये सोलर इक्लिप्स कहलाता है, ये जो है ये लूनर इक्लिप्स है, लूनर इक्लिप्स, क्योंकि हमने हमने क्या पढ़ा था कि जब लूनर इक्लिप्स यानी चांद ग्रहण होता है तो क्या होता है, जो रोटेशन होती है मून की चांद की, वो ज़मीन के गिर जो रोटेट करता है, तो ऐसा होता है कि जो ज़मीन होती है वो सूरज और चांद के बीच में आ जाती है, सो जो सनलाइट होती है वो चांद तक नहीं पहुंच पाती, इस वजह से जो शेडो होता है अर्थ का वो चांद के पीछे जो है वो बन जाता है, इस वजह से इसको लूनर इक्लिप्स कहा जाएगा। सेकेंड हमसे पूछा गया है, इन द फॉलोइंग पिक्चर्स ईच एरोहेड शोज द एक्सल ऑफ और ऑर्बिटल मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड मून, राइट द करेक्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इन द बॉक्स इज गिवन नियर ईच एरोहेड। तो इसमें हम पहले मूवमेंट्स राइट कर लेते हैं फिर इसको समझते हैं। ये है एक्सेलरेशन, ये ऑर्बिटल, ये भी ऑर्बिटल, अब ये रोटेशंस का कैसे पता चलेगा। देखें, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ जो है वो अपने ही सेंटर के गिर्द, अपने ही मरकज के गिर्द गर्दिश करेगी तो वो कौन सी रोटेशन होगी, वो एक्सल रोटेशन होगी यानी महवरी गर्दिश, उसको महवरी गर्दिश कहा जाएगा, क्योंकि वो अपने ही महवर के गिर्द, अपने ही एक्सल के गिर्द जो है वो रोटेट कर रही होती है। इसी तरह से जो ऑर्बिटल होती है, ऑर्बिटल मोशन कौन सी होती है, यानी जब एक कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अपने एक फिक्स पॉइंट के गिर्द, वो पूरा ऑब्जेक्ट यानी अपने ही ऑर्बिट के गिर्द, अपने पूरे मदार के गिर्द गर्दिश करता है तो वो ऑर्बिटल मोशन होती है। आज हमसे पूछा गया है,
इन हाउ मेनी डेज डज द मून कम्प्लीट वन रोटेशन अराउंड द अर्थ, चांद जो है वो कितने दिनों में जमीन के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करता है? तो इसका सही आंसर है 29.5 डेज. सेकेंड पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज डज द अर्थ कम्प्लीट वन रोटेशन अराउंड द सन, यानी जमीन जो है वो सूरज के गिर्द एक चक्कर कितने दिनों में मुकम्मल करती है? तो हमने पढ़ा था जी ये 365 डेज में, 365 डेज. थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज पर द गिवन फिगर, राइट द करेक्ट सीजन इन द बॉक्सेस गिवन नियर द डेट्स. आपने इन डेट्स को देखते हुए अब बताना है, सही सीजन को चूज करना है. उसके बाद एक इन्वेस्टिगेट है, इफ द सन स्टॉप्स प्रोवाइडिंग लाइट एंड हीट व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द अर्थ, वुड लाइफ बी पॉसिबल ऑन द अर्थ. अगर जो सूरज है वो रोशनी और हरारत देना बंद कर दे तो क्या ज़मीन पर इसके कोई इफेक्ट्स होंगे, कोई असरात होंगे, क्या ज़मीन पर ज़िंदगी जो है वो पॉसिबल होगी, मुमकिन होगी? तो इसका आंसर है, इफ़ द सन स्टॉप्स प्रोवाइडिंग लाइट एंड हीट लाइफ कुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ. अगर सूरज जो है वो हमें हरारत यानी हीट और लाइट देना बंद कर दे तो फिर जो है वो कोई भी ज़िंदगी ज़मीन पर जो है वो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है. हमारी जो अर्थ पे जो लाइफ है वो किस वजह से पॉसिबल है? ड्यू टू द सन. यहाँ पे इसी के साथ ही हमारे चैप्टर एक्सरसाइज का एंड होता है. अगर पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं. ओके जी, अल्लाह हाफिज़.